नागपुर इकाई की कांग्रेस पार्टी से संगीता ताई तलमले संयुक्त राष्ट्रीय समन्वयक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बदलाव यात्रा पर उत्तर नागपुर क्षेत्र में बढ़ती समस्याओं को लेकर राजाभोज चौक, नौकन्या नगर, विजय नगर, धर्म नगर क्षेत्र का दौरा कर उत्तर नागपुर की जनता की समस्याओं पर जनता से चर्चा कर उत्तर नागपुर की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया। देखिए, आप भी खुद नौकन्या नगर चल के आए हैं, आप देख रहे स्थिति कितनी भयानक है और काफ़ी समस्या है यहाँ पे। पानी की समस्या है, गटर लाइन की समस्या है, रोड नहीं बने हैं, अच्छी स्कूलें नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल बन हो गई है इनकी, बच्चे कहाँ जाए, गरीब लोग कहाँ जाए, जनता कहाँ जाए। मैं पूछती हूँ आपसे, आप सरकार से भी यही सवाल है कि उनकी सरकार होने के बाद भी, उनके ही आमदार, उनके ही खासदार, उनके ही शहर अध्यक्ष होने के बाद भी इतनी भयानक स्थिति अगर पूर्व नागपुर की होंगी तो कैसे बदलाव लाएंगे। देखिए, समस्या का समाधान तो 15 साल से आप ही देख रहे हैं, आमदार यही के हैं, इन्होंने कोई समस्या का हल नहीं किया अभी तक, ना किसी से मिले, हम खुद मिल रहे हैं। मिले क्या भाई साहब, आपसे मिले आमदार आके, नगर सेवक मिले हैं, नहीं मिले आज तक। 15 साल से इनका शासन होने के बाद भी अभी तक यहाँ पे मिले नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम निश्चित ही इनके बारे में सोचेंगे और बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। पे तो सबसे बड़ी समस्या है कि रोड नहीं है यहाँ पे, इनके बच्चों को स्कूल जाने को प्रॉब्लम जा रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, यहाँ पे पानी हम फिसल रहे थे, अभी सभी बच्चे हमारे साथ हैं, सब युवा है, देखिए कितना गंदगी से भरा है। और क्या बोलते हैं, गटर लाइन की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सी समस्या है यहाँ पे, और डेंगू मलेरिया जैसे इनका शिकार बन रहे हैं। तो शासन सोया है ये, और क्या 15 साल और कितने साल लेंगे ये लोग, अभी जान पे आ पड़ी है इनकी सबकी। निश्चित ही हम गंभीरता से इनका समस्या हल करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए तो हम इनकी समस्या जानने के लिए यहाँ पे आए हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो दिख रहा है, आप भी आए यहाँ तक नौकन्या नगर तक, तो आपको ही भी दिख रहा है कि कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पे, ना रोड है, ना कुछ भी समस्या, बहुत समस्या है। कांग्रेस 2014 में इतनी समस्याएं थी ही नहीं, कांग्रेस जानती थी गरीबों की सरकार है,